भाईजान आप ज्यादा शो नहीं शो ऑफ नहीं कर रहे यार, आईफोन ने 2.5 लाख 3 लाख रुपए का है यार, खामखा बनता है कोई तो देख ले भाई, ऐसे तो नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं असफन यार व्लॉग और मैं हूं आपका मेजबान असफन यार खान का। इस वक्त फिर तकातु में आया हूं, लोगों से इन्जॉयमेंट करेंगे और बातें करेंगे। स्पेशली मैं डिपार्टमेंट ऑफ मास्कॉम उनके लिए आया हूं कि ताकि मैं उनको चैलेंज दे सकूं। मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को मैं पकड़ूंगा मास कम्युनिकेशन के, उनसे हम पूछेंगे कि ज़्यादा मीडिया हम लोग बेहतर संभाल रहे हैं या वो लोग बेहतर संभाल रहे हैं। तो आप यहाँ हमारे साथ ही रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। किस डिपार्टमेंट से? मास्कॉम। यस, फिर आप लोग काम हम लोगों को क्यों दिया गया है? कहने का अभी तो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर है। अच्छा चलो ठीक है, मेरा भी फर्स्ट सेमेस्टर है ना पब्लिक एड में। चैलेंज देता हूँ कि आप ज़्यादा से अच्छा संभाल सकते हो जर्नलिज्म को या मैं, देखते हैं आगे इंशाल्लाह। चलो ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर है, 4 साल बाद देखेंगे। हाँ 4 साल बाद। कमल सर कितना काम कर रही है आपकी? अच्छा आई थिंक अच्छा है इंशाल्लाह। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो कौन सी चीज़ है जो लड़की और लड़कियों में लड़की होती है? दो चीज़ें हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। वो दो चीज़ें हैं, एक टाई लड़कों के गले में जो होते हैं, लड़की और लड़कों दोनों में लड़की हुई होती है, दो चीज़ें होते हैं बॉडी के लिहाज से, बैग होते हैं बॉडी के लिहाज से, बॉडी के लिहाज से लटके होते हैं। सोच लो, हाथ हाथ किसे हो, हाथ जेब में होते हैं। हाँ तो जेब में होते हैं ना, वो तो लड़के हुए होते हैं। बैग मैं तो बुलाया यार, बताया बॉडी के लिहाज से। हाँ दो चीज़ें जो शोल्डर्स। कोई इंटरटेनमेंट करो। हो गया ना, आगे और क्या करना? आप सोच लो, शोल्डर भी नहीं होगा। शोल्डर है तो कंफर्म है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? खैरियत ठीक ठाक, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। किस डिपार्टमेंट से? मैं मास कम्युनिकेशन से। आज मैं यहाँ को एक चैलेंज देने लगा। जी बोले। मैं पब्लिक एड हूँ और आप मास कम्युनिकेशन। जी काम मैं तो आप लोगों का कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि मुझ में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। ठीक है ठीक है, करते हैं। चलो पहले आप मुझे अपना तारीफ करवाओ कि क्या 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 होता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन अभी तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है, मीडिया है। फिर जो है ना, फिर कोई गिला नहीं है, मैं समझा कि आप लोग किस सेमेस्टर से। हमारा तो फर्स्ट सेमेस्टर है अभी तक फिलहाल। कॉमन सेंस कितना कम कर रही है फिलहाल? तो सही है बस, नॉर्मल इतना तो नहीं है कि। देखो दोस्तों, मैंने जो है ना इनको बहुत ख्वारी से लाया ये लोग मास कम्युनिकेशन वाले। असल में जो है ना हम लोगों को करनी चाहिए मास कम्युनिकेशन, लेकिन हम लोग को सीट ही नहीं मिली, बैड लक। सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो मर्द में 3 और औरत में 4 होती है? मर्द में 3 औरत में 4? यार मर्द में 3 औरत में 4। हाँ सवाल को गौर से सुनो, एक बार सोच लो, टाइट सोचो, तगड़ा किस्म का जो सोचना होता है ना उस तरह की सोचो। यार आइडिया नहीं है इतना। आइडिया नहीं है? कोई गाना गाओ। गाना? अच्छा कोई इंडियन गा लूँ? जो भी आपका मर्जी हो, पर्शियन इंग्लिश। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं, खामोशियां तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं, अपनी मैं खुशी देखे मैं तुझे, तेरी रूह से जुड़ जाऊं मैं, मिला जो तू यहाँ मुझे दिलाऊं मैं, यकीन तुझे रहूं हो के तेरा सदा, बस इतना चाहता हूँ मैं, थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। थैंक यू।
तो दोस्तों ये भी मास कम्युनिकेशन के जो है ना स्टूडेंट्स है, ग्रेजुएट हो चुके हैं, और मैं इनसे इनको चैलेंज दूंगा कि पब्लिक लाइट वाले जो है ना केस संभाल रहे हैं मीडिया को, और मास कम्युनिकेशन वाले केस संभाल रहे हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग के मतलब डिपार्टमेंट के हवाले से कुछ बताओ, कैसे डिपार्टमेंट है? आप लोग तो फ्रेश ग्रेजुएट भी हो चुके हो ना? हमारे डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है, हमें मीडिया के बारे में काफ़ी पता चला है। जितना हमें दिखाया जाता है उससे बिल्कुल ऑपोजिट है, और यहाँ पे जो प्रैक्टिस है मीडिया की वो भी काफ़ी ऑपोजिट है एज जो हम स्टडी करते हैं। अच्छा। और यहाँ ब्यूटर्न में मास कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी है, मैंने 4 साल यहाँ गुजारे, बहुत कुछ पता चला, मीडिया से रिलेटेड काम भी किया, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, काम भी सिखाया जाता है, बिल्कुल। मेरे बारे में क्या ख्याल है, मैं कैसे चैनल को कैसे संभाल रहा हूँ? आप अच्छा अच्छे से संभाल रहे हैं, बहुत अच्छे हो, मतलब आपका जो है ह्यूमर बहुत अच्छा है, एंटरटेनिंग हो, बहुत अच्छा है। थैंक यू। आपकी अटेंशन ग्रैब करेंगे, ऑडियंस अच्छी रहेगी आपकी। मैं खुद इसी फील्ड में आना चाहता था, लेकिन मुझे सीट नहीं मिली। आपको क्यों नहीं मिली? यू आर सो लकी। आपको मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है। नहीं, यू आर सो लकी, आपको नहीं मिली ये सीट। क्यों? यार मीडिया में यार आप नहीं सर्वाइव कर सकते। मीडिया ही शौक है ना, मेरा पैशन ही मीडिया है ना। ये फैशन तो फैशन है, फिर आपको जरूर लेना चाहिए था एडमिशन। एक नहीं, फैशन अलग है और एक्चुअल ग्राउंड अलग है ना, ये एक्चुअल ग्राउंड। जब आप प्रैक्टिस में आते हो और थ्योरी में बहुत फर्क है। यहाँ पे हमें 4 साल थ्योरी पढ़ाई गई है, बट जब आप रियल प्रैक्टिकल में जाते हो, वहाँ पे 12वीं का बच्चा भी भाई आपसे आगे होता है। चलो ठीक है, कॉमन सेंस कितना काम कर रही है आप लोगों की? यार बस कॉमन सेंस है ही नहीं, कॉमन सेंस जर्नलिज्म है ना, आप लोगों कॉमन सेंस तो ज्यादा काम कर रही होगी ना? नहीं, नहीं ज्यादा काम करते हैं। आप एक सवाल, इससे एक सवाल से। चलो ठीक है, क्वेश्चन जो है ना फिर भी बता दो कितना काम कर रही है। क्या अभी बता दो, कॉमन सेंस 80% इसका काम करता है जितना मुझे लगता है। अच्छा, जी हाँ। अगर ऐसा ना हो कि जीरो होगा? नहीं नहीं, जीरो तो नहीं होगा मुझे। वो कौन सी चीज है जो मर्द में 3 और औरत में 4 होती है? बहु मर्द में मर्द में 3 और औरत में आप लोगों में कितनी होती है? मैं बताओ, मेरे लिहाज से वो खूबिया है, क्योंकि मर्द में हमेशा ज्यादा होती है। नहीं, ये तो मर्द में 3 होगी, 4 होगी। नहीं तो आपने ये कहा ना, मर्द में 3 औरत में 4। कंपेयर करो, कंपेयर करो ना, मर्द में 3 औरत में 4। अच्छा, मर्द में क्या है? अच्छा यार, मुझे जितना लग रहा है ना, ये जो है ना हरूफ की बात हो रही है, जो मर्द में 3 होते हैं औरत में 4 होती है। अच्छा, सही है ना यार। एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? क्योंकि मुझे मीडिया वालों के चैलेंज है। पूछ ले, पूछ ले। वो कौन सी चीज है जो मर्द और औरत में जो है ना 2 चीजें है जो लटकी हुई होती है? क्या होती है? क्या लटकी हुई होती है? लटकी हुई होती है, बड़ा हरामी हो बेटा। उसको अभी समझ। अस्तग़फिरुल्लाह। सवाल दोबारा कर लो, दोबारा रिपीट। वो दो कौन सी चीजें है जो मर्द और औरत में जो है ना लटकी हुई होती है? बाल लटके होते हैं। बाल होते हैं वो तो, किसी आपके बाल है उड़े हुए इंसान के लटके होते हैं ना, इनके लटके आपके लटके हुए तो मर्द में वो कौन से चीज है? बाल तो एक है ना, दो चीजें मर्द और औरत में 2 चीजें लटके लटके हुए होते हैं। समझ रहे हो कट नहीं नहीं एक कॉमन सेंस जीरो हो गई। सवाल चेंज कर लो, सवाल चेंज नहीं नहीं सवाल चेंज नहीं होगा। क्यों है? हां देखो, आपकी जो है कॉमन सेंस, आप इसके 80% काम कर रहे थे ना, आप काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, अभी हमारा चेंज हाथ लटके हुए हैं। ठीक है ना, सही है सवाल, सही है। बाजू बोलो, हाथ नहीं बोलो, बाजू बोलो, जो भी बाजू बाजू लटके हुए हैं। वन मोर क्वेश्चन अभी तो हो गया, छेले जा अभी तो सारे को हमारा आज काम क्लियरेंस भी है। चलो ठीक है भाईजान, आप ज्यादा शो ऑफ नहीं कर रहे यार। आईफोन ने 2.5-3 लाख रुपए का है यार, खामखा बनता है, कोई तो देख ले भाई, ऐसे तो नहीं होता। चलो तीसरा क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी चीज है जब लड़का डालते डालते अटक जाए तो लड़की को दर्द होता है, जब पूरा डल जाए तो लड़की को अच्छा लगता है? समझ रहे हो वो कौन सी चीज है जब लड़का डालते डालते अटक जाए तो लड़की को दर्द होता है, जब लड़का जो पूरा डाल औरत को, मतलब कोई भी लड़की औरत दोनों हो, हाँ, जब पूरा डल जाए ना तो लड़की को अच्छा लगता है? लड़की को अच्छा लगता है, लड़की को तो सब चीजें अच्छी लगती है। नहीं, ये क्या चीज़ स्पेसिफिक? सोचो तुम भी, अगर अटक जाए लड़का डालते डालते अटक जाए क्या हो सकता है? थोड़ा मुश्किल है।
मेरे दिमाग जिधर जा रहे हैं मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन मैं पॉजिटिव ऐसा सोच रहा हूँ फिर उस तुम सोचो ना हंसने से मैं सोचना ही नहीं इस बारे में देख रहे हैं दोस्तों ये जो है ना मास कम्युनिकेशन वाले मास कम्युनिकेशन वाले का ये हाल है वी आर बेटर देन क्वेटा के मौसम में इतनी सर्दी में आप इस तरह के सवाल कर रहे हैं यार माहौल खराब कर रहे हैं माहौल खराब कर रहे हैं इसने मुझे चैलेंज कर अच्छा नहीं इसने मुझे चैलेंज बताऊंगा जब लड़का लड़की में डालता है वो अटक जाता है डालते डालते अटक जाए लड़की को दर्द होता है जब पूरा डल जाए दर्द भी होता है ये क्या सच जब पूरा डल जाए लड़की को अच्छा लगता है मजा नहीं आता है अच्छा लगता है अच्छा लगता है खाना खिलाना लड़की को फोकस खाना मैं बताती हूँ चूड़ियाँ बस फॉर्म में आ गए बस पूछते जवाब तीन पूछे तीनों के जवाब दिए हमने पब्लिक एड वाले पीछे रह गए भाई नहीं पब्लिक एड वाले तो जो है ना पीछे ही रह सकते क्योंकि जो है ना वो सीएसएस के जो है ना मेन By the way, fourth pillar of the state. Come on, यार हम लोग भी पीछे नहीं है यार सो वट मतलब आप सी एस एस करते हैं हम लोग भी यार फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट है यार कम ऑन चलो ठीक है थैंक यू थैंक यू